क्या लगा हम इसे गोली मार देंगे और पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी और पुलिस के सामने ऐसे गड़गड़ाएंगे हम? पुलिस कुछ नहीं बोली। अरे इका का है? हाँ इका तो काम है, डराएगा धमकाएगा। जो इंसान अपने बचवा को प्यार नहीं करता है वो तुमसे कहा दोस्ती करे? हाँ इसकी बातों में मत आ, इसकी बात का विश्वास मत कर, जाए देगा कछु नहीं कर। हम सोचे हवेली में चोर घुस आया है इसलिए गोली मार दी हमने, सच में जब पलट के देखे तो पता चला। क्या बोली? कछु नहीं। किसे बचाना चाहेगी, तेरे पापू को या अपनी माई को? हाँ नहीं बोल 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 बोल। नहीं सकते ना, तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे ये सब कहोगे तुम अपनी जुबान खोलेंगे? कभी नहीं, हम अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। जुबान नहीं खोलेगी? यहाँ पे चकोर के जो माई बापू हैं, जो हम हैं, हमको पकड़ के मार के लेकर आए हैं, बांध दिया गया है। और भैया जी जो हैं कमल नारायण, वो जानना चाहते हैं कि सूरज को चकोर ने कहाँ छुपा कर रखा है और कहाँ भगा दिया है, तो इसलिए वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं और मुझ पर गोली भी चलाते हैं ताकि दबाव में आकर मेरी बेटी चकोर जो है वो बता दे कि उसने सूरज को कहाँ छुपा कर रखा है। तो चकोर पे किस तरह का कैसा उनका रिएक्शन था? यही क्योंकि पहली बार ही हुआ है शायद गोली चलाई है ऐसे कमल नारायण ने, आज तक सिर्फ धमकियाँ दी थी लेकिन पहली बार ही गोली चलाई है। अब देखो आगे क्या होता है, गोली का नतीजा मार जीती है नहीं। आगे कैसे कैसे किस तरह का ट्विस्ट आने वाला है? ट्विस्ट तो ऑब्वियसली आएगा बिकॉज अभी जो है चकोर को बोला जा रहा है कि सूरज कहाँ है बताओ, क्योंकि शायद सूरज के साथ अब वही सलूक होगा जो हम सब लोगों के साथ हुआ है इतने दिनों से। सो यही कुछ जाके आगे होने वाला है। अभी मतलब सूरज को अभी तक कुछ पता नहीं? नहीं सूरज का पता नहीं, और उस पर अब उसने जो भैया जी के साथ किया है गेम जो है उलट गया है पूरा, अब सूरज पे वो सब कुछ अत्याचार होगा जो सूरज ने भैया जी पे किया था।